हाँ जी है हाँ, तुरंत भट्टी करके क्या हो गए? आ गए। फिर क्या हुआ? मिलने के लिए हाँ, मिलने के लिए हाँ, मिलने के लिए आ गए। तो आप भी आ गए और वाह भाई, हाँ फिर करना क्या है? अब क्या कहना चाहते बाबा? हाँ, शंकर का इस जन्म मरण शास्त्र में नहीं दिखाया है तो हाँ, उनका जन्म मरण कैसे होता है बाबा? शिव बाबा का शिव का जन्म मरण कैसे होता है? शंकर का बाबा, शंकर का इस जन्म मरण शास्त्र में नहीं दिखाया है तो और शिव का? शिव का दिखाया है, हैं? तो शिव शंकर तो एक ही हो गए, अलग कहां हुए? शिव शंकर में प्रवेश करते हैं तो उनका स्थूल जन्म मरण हो ही नहीं सकता। भले आपने नहीं सुना लेकिन पुरुषोत्तम मास का गायन तो है। एक महीना अधिक मास गाया हुआ है ना, हर चौथी वर्ष आता है तो काय की यादगार है, हैं? ये पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। और बाबा ने मुरलियों में कहा है कि मैं सदैव बेल में सवार नहीं करूंगा, तो राह बाप में सदैव बाबा के सवार करेंगे। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि मैं सदैव बेल में सवार नहीं करूंगा, तो राम बाप में सदैव बाबा के सवार करेंगे या नहीं करेंगे? आप कहना क्या चाहते हैं सो तो बताओ, ऐसे पढ़ो मत। क्या पूछना चाहते हैं? बैल पर मैंने बैल पर सदैव सवारी थोड़े की जाती है, वो तो टेम्परेरी रथ है। कौन है बैल? हैं? टेम्परेरी रथ कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो जो टेम्परेरी है उस पर सदैव सवारी होगी या टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए होगी? तो थोड़े टाइम के लिए सवारी करते हैं, सदैव थोड़े ही सवार होते हैं। सदैव किस पर सवारी करते हैं? मुकर्रर रथ कौन है? शंकर का रथ मुकर्रर रथ है और ब्रह्मा का रथ है टेम्परेरी रहते हैं। हाँ तो पूछना क्या है? हो गया, हो गया। और भक्ति मार्ग में क्या दिखाया? भक्ति मार्ग में चूहा, हाँ वो अच्छा, गणेश का बांध चूहा दिखाया। हाँ तो गणेश का बांध चूहा दिखाया। हाँ इसका अर्थ यही है कि चूहा अंदर ही अंदर जमीन सारी खोखला कर देता है,
और किसी को पता ही नहीं पड़ता कि नीचे खोखला हो गया है सारा मकान। तो ऐसे ही जो गणेश की सवारी बनते हैं वो चूहे के मुआफिक और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का सारा घर अंदर अंदर खोखला कर देते हैं। यह सारा घर खोखला हो जाता है और धम्म से टूटता है तब उन्हें पता चलता है अरे ये तो सारा खोखला हो गया। क्या बोला? अरे ये भाषा प्रॉब्लम दीदी अली जी का बात सुन रहे हैं। दीदी अली जी का हाँ दोनों से क्या क्या चीज का जन्म हो गया है? दीदी कहते हैं खंडित को और अदिति कहते हैं अखंड को। जिसकी पवित्रता खंडित हो गई उसका नाम शास्त्रों में दिया है दिति, और जिसकी पवित्रता अखंड रही, पवित्रता को आंच नहीं आने दी अथवा कोई भी उसकी पवित्रता को खंडित नहीं कर सका, उससे देवता पैदा हुए। अदिति से अद्वैत की पैदाइश होती है। अद्वैत माने जो किसी दूसरे को नहीं मानता, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसे अद्वैत देवताओं की पैदाइश जिससे होती है उसे कहते हैं पवित्र अतिथि, और जिससे अपवित्रता का बोलबाला हो जाता है, अर्थात पवित्रता को काबिज नहीं रख पाती शिव बाबा के अलावा दूसरों के प्रभाव में आ जाती है, अपनी पवित्रता को खंडित कर लाई देती है। उसका नाम दिया है दिति। दिति शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में फटी हुई, और अदिति का अर्थ होता है साबुत। पवित्रता और अपवित्रता की बात है। जो विविचारिणी औरतें बन जाती हैं ब्राह्मणों की दुनिया में वो ही दिति का पार्टधारी है, और जो एक बाबा की बन के रहती हैं किसी और से प्रभावित नहीं होती वो ही अदिति का पार्टधारी है। जैसे अर्जुन कोई एक नहीं था, तुम सब अर्जुन हो, सद्भाग्य का अर्जन करने वाले, ऐसे ही दिति भी अनेकों के पार्ट हैं और अदिति भी अनेकों के पार्ट हैं। अभी ये पार्टधारी तैयार हो रहे हैं, चेहरे तैयार हो रहे हैं। कौन राक्षसी पार्ट बजाने वाले हैं और कौन देवताई पार्ट बजाने वाले हैं? शास्त्रों में जिनका गायन है
राक्षसी पार्ट, देवताई पार्ट, वो सब पार्टधारी अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। और शक्ति महाराज ने एक गुरु ने अपने तीन शिष्य से प्रश्न किया कि धर्म बड़ा है या कर्म, तो पहला शिष्य बोला कि हमारे जीवन में धर्म बड़ा है, और दूसरा बोला हमारे जीवन में कर्म बड़ा है, और तीसरा बोला हमारे जीवन में धर्म और कर्म दोनों ही सामान्य है, राइट क्या है बाबा? धर्म की धारणा नहीं होगी तो कर्म कैसे करेगा? अधर्म के कर्म करेगा या धर्म के कर्म करेगा? पहले तो धर्म की धारणा चाहिए। असली धर्म है ही आत्म की स्थिति में स्थित होना। जो आत्म की स्थिति में स्थित होते हैं वो ही असली देवताई धर्म का पालन करते हैं। आत्म की स्थिति में स्थित नहीं हो पाते तो भगवान के स्थापन किए हुए देवताई धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। और जो धर्म को अपने हृदय में स्थापन नहीं कर सकते, बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, वो कर्म अधर्म के करेंगे या धर्म के करेंगे? अधर्म के ही कर्म करेंगे। कौन से कर्म करेंगे? राक्षसी कर्म करेंगे या देवताई कर्म करेंगे? ब्रह्मा सफेद कपड़ा पहनते थे, उसका अर्थ क्या है? बच्चा बुद्धि, बच्चे में कोई विकार होते हैं क्या? होते हैं है? नहीं होते हैं। बच्चे की भांति उनका स्वभाव संस्कार था। जैसे बच्चा होता है कुछ नहीं जानता, ऐसे ही बच्चा बुद्धि कृष्ण की आत्मा नहीं जानती थी। विकार क्या होता है, विपरीत कर्म क्या होता है, अनुकूल कर्म क्या होता है? जैसे शिशु होता है, छोटा बच्चा, बाप को जानता है? बाप को ही नहीं जानता। फिर उसमें विकार होते हैं, विकार भी नहीं होते। तो श्वेत रंग की यादगार है, श्वेत रंग में कोई रंग नहीं होता, उनको श्वेतांबर जैन कहते हैं, उनके फॉलोअर्स को। इसलिए उनसे कौन सी माला तैयार होती है? है ब्रह्मा के पक्ष से ब्रह्मा को फॉलो करने वालों की कौन सी माला तैयार होती है? विजय माला। विजय माला विकारी माला कहेंगे या निर्विकारी माला कहेंगे? निर्विकारी माला है, कोई विकारों का रंग नहीं, इसलिए वो श्वेतांबर जैनियों की यादगार है। परंतु वे श्वेतांबर जैनियों के मंदिर नीची स्टेज में बने हुए होते हैं या ऊंचाई पर बने हुए होते हैं? हैं? अरे देखे नहीं? दिलवाड़ा मंदिर में जाके नहीं देखा? नीची स्टेज में होते हैं, वो ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की ऊंचाइयों में नहीं जाते।
वो नीचे स्टेज के मंदिर हैं, यादगार है। जो दिगंबर जैनी हैं, वो ऊंची स्टेज वाले हैं, वो शरीर के कर्मों को ज्यादा महत्व नहीं देते, मन की एकाग्रता को महत्व देते हैं। इसलिए शरीर का वस्त्र नहीं दिखाया जाता, नंगे रहते हैं, वो यादगार है। बाकी ऐसे नहीं कि नंगे रहने से कोई आत्मा नंगी हो जाती है, ये तो अंदर से समझने की बात है। क्या समझने की बात है? कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र से बिल्कुल अलग नंगी आत्मा हूं, मुझे कोई शरीर रूपी वस्त्र की आवश्यकता नहीं, मैं इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर निराकारी लोक में जाने वाली हूं। ऐसी निराकारी स्टेज को धारण करते हैं, वो परम धाम की ऊंची स्टेज में जाते हैं। यह देह के वस्त्र को धारण करने वाले ऊंची स्टेज में जावेंगे, इसलिए उनके मंदिर ऊंचाई पर बनते हैं। बल शरीर काले हैं, शरीर से देखने में आते हैं विकारी हैं, परंतु उनकी मन बुद्धि शरीर से उपराम है या लागत वाली है, शरीर से उपराम होती है, इसलिए उनके मंदिर ऊंचे ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। वो रुद्रमाला की यादगार है। दिगंबर जैनियों के मंदिर काली मूर्तियों वाले और श्वेतांबर जैन मंदिर ब्रह्मा और उनके फॉलोअर्स की यादगार है। और बाबा ने मुरली में बोला कि मैं पावन करने में नहीं आता हूँ, मैं पावन करने नहीं आता हूँ, पावन करने पवित्र करने में नहीं आता हूँ, इसमें आते हूँ वो कायदा नहीं हुई है, तभी राम बली आत्मा तो अभी संपूर्ण पावन कैसा बाबा। क्या पूछा इन्होंने? दादा जी पूछना है, पवित्र कन्या के तन में आवे परंतु कायदा नहीं है, और राम बली आत्मा भी अभी पवित्र है, पवित्र है, राम बली आत्मा पवित्र होती है, है? अभी इस जन्म में पवित्र है। राम और कृष्ण की आत्माएं जो हैं, राम कृष्ण की आत्माएं अंतिम जन्म में पुरुष चोला धारण करती है या स्त्री चोला धारण करती है? कौन सा चोला धारण करती है अंतिम जन्म में? पुरुष चोला है या स्त्री चोला है? है? पुरुष चोला है, और पुरुषों में भी बच्चे का चोला है या बड़ी उम्र वाला चोला है? तो जो भी पुरुष है, बाबा ने तो मुरली में बोला सब दुर्योधन दुशासन है, तो पतित है या पावन है? हैं? सब पतित है, इसलिए बोला कन्या तो पवित्र है, कन्या को तो सूपन खा पूतना नहीं कहेंगे, कन्या को पतित नहीं कहेंगे। मैं पावन तन में क्यों आऊंगा, मैं तो एवर प्योर हूं,
तो एवर पतित में आऊंगा, बड़े से बड़े कामी कांटे में आऊंगा, या पावन में आऊंगा? पतित दुनिया में आता हूं या पावन दुनिया में आता हूं? पतित से पतित दुनिया है कलयुग का अंत, उस पतित माहौल में आता हूं। पतित से पतित भारत देश में आता हूं और पतित से पतित तन में आता हूं। किस लिए आने का कारण क्या है? पतित में आवेंगे तब तो पतित को पावन बनावेंगे। पावन में आऊं, सन्यासी में आऊं, कन्या के तन में आऊं, फिर उसको संग का रंग लगा के पावन बनाऊं, तो बड़ी बात है। या पतित देश में आऊं, पतित काल में आऊं, पतित तन में आऊं, फिर पतित से पतित को आकर के पावन बनाऊं, तो बड़ी बात है। पतित को आकर के पावन बनाता हूं तो संसार में मेरा गायन होता है। पतित पावन सीताराम। ये 1942 के बाद है? ये 1942 के बाद है ना? तो शिव का पार्ट 40-47 तक किस तरह मुरली के आधार पर चलता है, ये मतलब कैसे समझा सकते हैं? शिव का जो पार्ट है ना वो 40-47 तक, 42 से लेकर 40-47 तक माता कीर्तन के द्वारा मुरली में मिलेगा ना? है ना, 10 वर्ष से रहने वाला, ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, उनके तन में आते थे, वो भी पतित बन पड़े। तो एक पुरुष तन था और एक स्त्री चोला भी था, इसे साबित हो जाता है कि पुरुष तन चला गया तब स्त्री चोले में आए, लेकिन वो माता का चोला था, पुरुष तन नहीं था। और बाबा लक्ष्मी नारायण को भोजन जो दिखाता है वो क्या दिखाया? लक्ष्मी नारायण को नहीं दिखाता है, भूषण को दिखाता है, कौन चीज का ही आकार है? आभूषण दिखाते हो? लक्ष्मी नारायण को आभूषण गुणों के दिखाते हैं, नहीं तो गुण कैसे दिखावे? गुण आत्मा में होते हैं या शरीर में लटकते हैं? हैं? गुण तो आत्मा में होते हैं, तो उन दिव्य गुणों का श्रृंगार दिखाने के लिए शरीर में ढेर सारे लटकंते दिखाई दिए, नहीं तो आत्मा के अंदर की बात कैसे दिखाई जाए चित्रों में? और बाबा अमरनाथ में बाबा बर्फानी बोलते हैं ना, तो वो कैसे बनते हैं? फिर वही पिघल जाते हैं, ऐसे शिव का जो लिंग का आकृति वो कैसे बनते? यादगार कहाँ की है? बाबा की तो है, शिव बाबा की नहीं, कहाँ की है, किस जगह की यादगार है? अमरनाथ। अमरनाथ पहाड़ पर है या गड्ढे में है? तो किस कहाँ की यादगार हुई? ऊंची स्टेज की यादगार हुई ना। फिर मुरली में बताया है कि बाबा तो अनुभवी है, अमरनाथ की यात्रा पर गया तो वहां सवेरे 4 बजे मंदिर में घुस गया, देखा कि एक ब्राह्मण बच्चा बर्फ का लिंग बना रहा था, तो कहां की यादगार हुई? यहां भी संगम युग में कोई ब्राह्मण बच्चा है, ब्रह्मा की औलाद, जो ऊंची स्टेज में जाकर बाप की याद में
इंद्रियों को कैसा बना लेता है, शीतल बना लेता है। ऐसा शीतल बनाता है जैसे बर्फ का लिंग। नहीं तो लिंग क्या बर्फ का होता है क्या है? लिंग गर्म होता है या बर्फ का होता है? मार मारने वाला होता है या कोमल होता है? जब काम विकार का आवेग आता है तो पुरुषों को भान रहता है, दुर्योधन दुशासनों को, कि हम ये क्या कर रहे हैं। भान रहता है नहीं रहता, तो उसे बर्फ का लिंग कहेंगे या गर्म कहेंगे? तो ये यादगार है कि ब्रह्मा का कोई बच्चा है, ब्राह्मण बच्चा, जो शंकर को जनेऊधारी रूप में दिखाते हैं। आजकल तो शंकर के बच्चे के रूप में चित्र भी बनाने लग पड़े हैं। जो वर्तमान समय संगम युग की यादगार हैं। और ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि रंग उसका करो जिसे ज्ञान का रंग लगा सको है? और कहानी भी कहते हैं कि सफेद रंग को किसी भी रंग में डाल दो तो वो रंग जाते हैं। मतलब क्या है बाबा? हाँ, बच्चा बुद्धि है। बच्चे को जैसे परिवार में रख देंगे वैसा ही उसका भाव स्वभाव संस्कार बन जाएगा। जैसे एक राजा का बच्चा था, उसको भेड़िए उठा ले गए, खुदा न खास्ता भेड़ियों पर शेरों के झुंड ने आक्रमण कर दिया। भेड़िए अपने निवास स्थान को छोड़ के भाग गए, बच्चा पड़ा रह गया। न भेड़ियों ने उठाया, न शेर के झुंडों ने उठाया, और वो बच्चा बच गया। शेरों का झुंड जब गायब हो गया तो भेड़िए आए, वो बच्चा को भूल गए, बच्चा उनके बीच में पलता रहा। खुदा न खास्ता बड़ा हो गया तो भेड़ियों की तरह बोलने लगा, भेड़ियों का भाव स्वभाव संस्कार बन गया। इसलिए कहते हैं कि सफेद रंग पर जैसा रंग चढ़ाओ वैसा रंग चढ़ जाता है। और दूसरी बात क्या बोली? ज्ञान मार्ग में बोलते हैं कि जो संग उसका करो जिसे ज्ञान का रंग लगा सको है। ज्ञान का रंग लगा सको, ज्ञान का रंग लगा सको कि अपने संग में रंग सको है, ये कहते हैं। हाँ जी, हम संग बोलना चाहते हैं, हम आपके साथ जाना चाहते। ऐसे नहीं मानेंगे भाई, तुम ऊपर को मुंह करके पूछो। हाँ क्या बोला? हाँ, हम आपके साथ जा सकेंगे कि नहीं? अरे आप तो, आप सारी दुनिया बाप के साथ जाएगी। हे छोटे बच्चों को तो बोला सुभान अल्लाह, अल्लाह के समान होते हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? हाँ जी, हाँ ठीक है, जाएंगे जाएंगे।
है मुरली में बोले ब्रह्मा विष्णु की याद करना नहीं है, बोले मुकंदन राम की याद करो, फिर बोले ये ऊपर दृष्टि देके आप बाबा की याद करना है, नहीं तो कौन समझेगा, इसको मतलब समझे नहीं बाबा। क्यों नहीं समझे? ब्रह्मा पतित को कहा जाता है, विष्णु पावन है, उसमें शिव बाबा आता नहीं है, तो उसको भी याद नहीं करना है। गृहस्थ में महेश में शंकर में, हाँ शंकर में याद करना है। शंकर जो है वो संपूर्ण स्टेज को कहा जाता है, और संपूर्ण स्टेज है जिसके चित्र बनते हैं वो पूजनीय हो गया, देवता बन गया। देवता बन जाता है तो पवित्र हो गया, फरिश्ता बन गया, लेकिन फरिश्ता बनने से पहले पतित था या पावन था, पुरुषार्थी था या संपन्न था, है पुरुषार्थी था तो उसी में याद करना है, उसे प्रजापिता कहा जाता है। इसलिए मुरली में बोला है प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे, प्रजापिता पतित को कहा जाता है, और शंकर तो फरिश्ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही फरिश्ते हैं, फरिश्ता उनको कहा जाता है जिनका फर्श वालों से कोई भी रिश्ता नहीं रहता। जो फरिश्ता होते हैं वही देवता बनते हैं, तो देवता में शिव बाबा थोड़े ही आता है, वो तो पतित तन में आता है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा में शिव को याद करना है, बल प्रजापिता ब्रह्मा ही पुरुषार्थ संपन्न होने पर शंकर कहा जाता है। हैं? वो ही मुकर्ररत हुआ। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा सत्व रज तम में आती कि नहीं आती है? सूक्ष्म शरीर चोल नहीं बनती है, बनती है। मतलब जो ब्रह्म बाबा ने साकार में जब धारणा का राजा का पाठ बताया ना, ब्रह्म बाबा ने जब साकार में धारणा के राजा के रूप में पाठ बताया ना, फिर सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद प्रजापिता प्रवेश करके जो भी पाठ बताते हैं तो वो तम प्रधान पाठ है ना। पहले पहले जब अज्ञानी है कि ज्ञानी है? सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा पहले पहले ज्ञानी है या अज्ञानी है? है? अरे पढ़ाई पढ़ने वाला है या पढ़ाने वाला है, तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी है। अज्ञानी है तो पतित है या पावन है? पतित है। बाबा है, एक बच्ची ज्ञान में चलती थी, सखी नहीं की थी, और 11 साल 12 साल की उम्र में उसकी अकाल मृत्यु हो गई, तो उसे शरीर के लिए भटकना पड़ेगा कि कब खुश रहेंगे? हाँ जी, भटकना पड़े, सखी नहीं की थी। अकाल मौत जिसकी होती है वो चाहे भट्टी किया हुआ हो या न किया हुआ हो, उसको सूक्ष्म शरीर जरूर धारण करना पड़ेगा। और जब ब्रह्मा बाबा सुगदादी के तन में प्रवेश करते हैं तो उनको झटका लगती थी, जब ब्रह्मा बाबा सकरपाटधारी आत्मा में प्रवेश करती है तो क्यों उनको झटका नहीं लगती? नहीं लगता है बाबा। इसलिए नहीं लगता है कि गुलजार दादी कम जन्म लेने वाली आत्मा है,
उनमें सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म शरीरधारियों का जो घोड़ा है जिसमें वो प्रवेश करते हैं वो कमजोर होता है या पावरफुल होता है? कमजोर होता है, इसलिए उनको अपना भान भूल जाता है। जब प्रवेश करते हैं तो धड़का आता है। लेकिन जिनमें प्रवेश करते हैं दूसरों में और धड़का नहीं आता है वो रुद्रमाला के मणके हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, पावरफुल आत्माएं हैं। उन पावरफुल आत्माओं में ब्रह्मा की सोल जब प्रवेश करती है तो उनके संग का रंग लग जाता है निराकारी स्टेज का, वो भी बिंदु बन जाती है। कौन? ब्रह्मा की सोल। तो बिंदु हल्का फुल्का होता है या सूक्ष्म शरीर का पावरफुल शरीर होता है? हल्का फुल्का होता है, इसलिए धड़का नहीं लगता। हाँ जी, ये जो मतलब शिव बाबा जो सुप्रीम सब सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना, हाँ जी, तो मतलब ये ब्रह्मा के रूप में 18 साल तक जो भी ये जो ज्ञान वाणी सुनाया तो 18 साल के अंदर उन्होंने जो भी ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया तो वो ज्ञान जो है सत्व रजो और तम में नहीं आया है। सत्व रजो तम प्रधान के स्टेज में नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? आया ना। मम्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो यज्ञ की हालत बिगड़ी या नहीं बिगड़ी? अनिश्चय बुद्धि विनश्यन्ति ब्राह्मण परिवार बना या नहीं बना मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद? मम्मा की सीट किसी मायावी ब्राह्मणी ने धारण की या नहीं की? डुप्लीकेट जगदम्बा कोई बनी या नहीं बनी? है? तो फिर असर नहीं पड़ेगा। और बाद में ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया, तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो सारा ब्राह्मण परिवार उस समय तक जॉन्स में बट चुका था, अलग अलग जॉन बनाए दिए गए और विदेशों में सेवा केंद्र खुल गया। तो सन 68-69 के बाद टोटल द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई या नहीं हो गई? हो गई, क्योंकि द्वापर के बाद ही विदेशों में जनसंख्या शुरू होती है। ब्राह्मणों की जनसंख्या की वृद्धि, लंदन का पहला सेवा केंद्र जब से खुला है तब से हुई। धर्म सत्ता और राज सत्ता ब्राह्मणों की दुनिया की अलग अलग हाथों में बट गई, अलग अलग जोनल इंचार्जेस बना दिए गए। तो ये उतरती कला नहीं हुई? शिव बाप है ना, सत्तर रजो तम में नहीं आते। शिव बाप नहीं आता है, लेकिन जो समझ है वो गिरती जाती है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो वाइब्रेशन बिगड़ेगा या सुधरेगा? बिगड़ेगा। और बाप को वहां किसने पहचाना? जब ब्रह्मा ने ही यज्ञ के आदि में जिसने बाप का पार्ट बजाया उसको नहीं पहचाना, सरस्वती ने भी नहीं पहचाना। जो और बिरले बिरले ब्राह्मण थे उन्होंने भी नहीं पहचाना, तो दूसरे कोई कैसे पहचानेंगे? और आनंद मार्ग धर्म का अर्थ क्या है बाबा?
जो अपने को समझते हैं कि हम सदैव आनंद में रहते हैं, लेकिन वो बीमार पड़ते हैं कि नहीं, तो हाय हाय करते हैं कि नहीं? अरे अरे हाय हाय करते हैं या नहीं करते हैं? अरे शर्म क्यों आती है, बोलो ना, करते हैं। हाँ, तो आनंद मार्गी झूठे हैं, असली तो सत्य चित्त आनंद है। भगवान जिसमें प्रवेश करता है उसका पुरुषार्थ जब संपन्न होता है वो ही सच्चा चित्त आनंद विष्णु स्वरूप है, दूसरा कोई प्रैक्टिकल में नहीं होता है 100%। बाबा नाम केवलम का मतलब क्या हुआ? बाबा सब देवता के जो बाबा है शिव ही को पूछे, ध्याता नहीं पूछे। सब देवताओं के बाबा कौन है? शिव बाबा है। वो तो झूठे शिव हम बन के बैठे हैं। हाँ जी बाबा, जब अंतिम समय में हमारा शरीर बर्फ में दबके रहेंगे और आत्मा उड़ जाएगी, फिर नीचे आएगी, जो नारी शरीर है तो उनमें पुरुष कैसे होंगे? मतलब रुद्रमाला कैसे आएंगे नारी शरीर में? क्यों आएंगे? नारी से लक्ष्मी बनना है न कि नारी से नारायण बनना है? ये तुमने कहाँ से नया ज्ञान ले आया है? ये तो दुनिया में अच्छा नहीं माना जाता है। कोई स्त्री चोला है और स्त्री चोले से बदल करके पुरुष बन जाए, या कोई पुरुष है और पुरुष चोले से बदल करके उसका लिंग परिवर्तन हो जाए, स्त्री बन जाए, तो लोग हंसी उड़ाएंगे या प्रशंसा करेंगे? क्या करेंगे है? हंसी उड़ाएंगे? तो शिव बाबा कोई हंसी उड़ाने के लिए आया है? रुद्रमाला का मणका है वो भाव स्वभाव संस्कार की बात है ना, काहे की बात है? रुद्रमाला का मणका है वो सफल कब होगा? जब विकारों पर विजय प्राप्त करे। हर जन्म तो स्त्री चोला प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्त्री चोला प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे रुद्रमाला में पार्ट नहीं बजाना पड़ेगा। कहाँ पार्ट बजाना पड़े? विजयमाला में ही पार्ट बजाना पड़े। जैसे विजयमाला का आखिरी मणका होगा और पहला मणका होगा, तो ज्यादा रानी का भाव किसमें होगा? पहले वाले में रानी बनने का भाव ज्यादा होगा या लास्ट वाले मणके में रानी बनने का भाव ज्यादा होगा? पहले वाले में ज्यादा होगा। इसलिए रुद्रमाला का पहला मणका उसमें पुरुषोत्तम का भाव होगा। जन्म जन्मांतर रगड़ रहेगी कि मेरा पुरुष का चोला ही बने। और जो विजयमाला चंद्रवंश की माला होती है उसमें जो पहला मणका होगा उसमें यही बुद्धि में रगड़ होगी कि मैं रानी बनूं, जब कभी बनूं तो मैं रानी बनूं। तो हर जन्म में तो नहीं बनेगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जन्म रानी के या स्त्री चोले के होंगे। मतलब किस तरह, और इसमें विजय माला का आवाहन करने का कोई संबंध के बारे में? हाँ, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, इसमें कोई शक है क्या? माने धर्मपाल भी बनाते हैं क्या है? हाँ, फिर विजय माला का आवाहन कर अभ्यक्तवाणी में आता है ना, तो इसका इसमें संबंध है कि नहीं? क्यों नहीं संबंध है?
विजय माला जब तक नहीं निकलेगी तब तक रुद्र माला के मणके पावन बनेंगे क्या? और क्या, ये प्रवृत्ति कब कही जाएगी? प्रवृत्ति कब कही जाएगी? प्रवृत्ति तो तब ही कही जाएगी जब एक पवित्रता में बाला हो, नाम बाला हो, और एक योग में नाम बाला हो। एक रूप हो तो दूसरा बसंत हो, ये है ही रूप बसंत की जोड़ी। ये खेल ही दो का है, ये प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना है, ये निवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं है। दोनों के संयोग से ही स्वर्ग बनेगा, एक से स्वर्ग नहीं बनेगा। बाबा कौन से ईस्वी में 4.5 लाख आत्मा माउंट आबू जाकर तपस्या में करेंगे? कौन सी ईस्वी में? कौन सी ईस्वी? ईस्वी मालूम समझ, जैसे कि अभी 2011 चल रहा है। वो सबका अलग अलग है, सब इकट्ठे एक टाइम पर नहीं पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग पीरियड कब से होगा बाबा? जब से बाप की प्रत्यक्ष, जब से बाप की प्रत्यक्षता हो। तो बाप का प्रत्यक्षता तो 2018 के बीच आसपास, तो वहीं से शुरुआत कहेंगे। पहले राजाएं तैयार होंगे कि पहले प्रजा तैयार हो जाएगी, और राजाओं में भी जो उच्च श्रेणी के वर्ग के राजाएं होंगे, ऊंचे ब्राह्मण होंगे, वो माला में पिरोए जाएंगे, या नीची श्रेणी के ब्राह्मण पिरोए जाएंगे, तो नंबर वार होगा। नंबर वार ही ऊंची स्टेज में जाएंगे, नंबर वार ही परमधाम में जावेंगे, और नंबर वार ही साकार परमधाम में जावेंगे। और सागर मंथन जो करते हैं तो असुर और देवता मिल करके निकालते हैं, तो असुर से जिनका देवता कोई क्यों सब मिलता है? दोनों का हक होना चाहिए ना। एक ही को क्यों मिलता है? एक क्यों क्यों मिलता है? राक्षसों को नहीं मिलता? क्या मिलता है? एक को मिलता है तो उसका भी सरकार देता है। लो मजरा, मजरा जो निकलती है वो असुर नहीं लेते हैं है? अरे असुरों को जो अच्छा लगता है वो असुर लेते हैं, और देवताओं को जो अच्छा लगता है वो देवताएं लेते हैं। भगवान को जो अच्छा लगता है वो भगवान लेते हैं। भगवान को क्या अच्छा लगता है, है? अरे क्या अच्छा लगता है भगवान को? अमृत अच्छा लगता है, झूठ बोलते हो। सागर मंथन हुआ तो पहले पहले क्या निकला? बिख निकला, और सब डर गए। वो हाला हल विष उसका नाम है। हाला हल नाम क्यों आया? क्योंकि सबको हिला दिया, सारी दुनिया हिल गई। तो भगवान ने वो विष पी लिया। भले सारी दुनिया में निंदा होती रहे, इसकी उनको कोई परवाह नहीं। नहीं तो दुनिया वाले निंदा से डरते हैं या निंदा को गले लगाते हैं, हैं? निंदा से डरते हैं, लेकिन भगवान निंदा से नहीं डरते। सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए वो निंदा रूपी विष भी ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान को जो चाहिए वो भगवान ले लेता है, देवताओं को जो चाहिए वो देवताएं ले लेते हैं, असुरों को जो चाहिए वो असुर ले लेते हैं। है असुरों का सुना तो शक्तियों द्वारा ही होती है, है? युग में नारी ही कमजोर क्यों होती है? पुरुष ही तो कमजोर बनाते हैं,
द्वापर कलयुग में राज्य किसका होता है, पुरुषों का राज्य होता है या स्त्रियों का होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, रात होगी तो दिन नहीं होगा, दिन होगा तो रात नहीं होगी। असुरों का राज्य होगा तो देवताओं का राज्य नहीं होगा, देवताओं का राज्य होगा तो असुरों का भी राज्य होगा। ये तो दुनिया ही गुण दोषमयी है, ये परम धाम नहीं है ये दुनिया। जहां सत्य गुण ही होगा, परम धाम में ही सत्य सत्य गुण होता है, उसे सत्य धाम कहते हैं। ये दुनिया तो त्रिगुणमयी है, बाबा है। हमारे ज्ञान में भी चार अवस्था होंगे, जैसे हम फर्स्ट में ज्ञान सुनते हैं तो जैसे बहुत खुशी होती है, अंतिम होते होते हमारे ज्ञान भी सब प्रधान हो जाएंगे। जब जब जितने जितने लोगों के संबंध में आते जाएंगे, संसर्ग में आते जाएंगे, संपर्क में आते जाएंगे, तो संघ का रंग नहीं लगेगा। अरे भगवान से पैदा हुए, माता पिता से पैदा हुए तो माता पिता की गोद में ही रहो ना, फिर औरों से क्यों चौंचे लगाते हो? हाँ तो मत करो ना ऐसा। भगवान तो कहते हैं जब मेरे बच्चे बने, मेरी गोद के बच्चे बने तो किसकी गोद में पलो? मेरी गोद में ही पलो, फिर औरों का संग का रंग क्यों लेते हैं? जैसे जैसे भगवान बाप का बनने के बाद, निश्चय होने के बाद औरों के संग के रंग में आते जाते हैं, वैसे वैसे अवस्थाएं खराब होती जाती हैं। ये दुनिया ही ऐसी है, इस दुनिया में आत्माएं आती हैं अधोगति की ओर जाती है या ऊर्ध्वगामी होती है? अधोगति की ओर जाती है। तो ये ज्ञान में आना भी, जैसे बाप के घर से आ गए, ज्ञान में आ गए माने बाप के घर से आ गए, फिर नीचे ही गिरना है। आत्माओं का ये स्वभाव है कि ऊंची स्टेज से आती है और नीची स्टेज में जाती है। भले सतयुग में आवे तो भी 16 कला संपूर्ण से कहां जावेंगी? 15-16 कला में जावेंगी या नहीं जावेंगी? जावेंगी। एक भगवान ही है जो इस पतित दुनिया में आता है, पतितों के बीच में आता है, पतित तन में आता है, पतित काल में आता है, फिर भी पतित बनता नहीं है और ही पतितों को आप समान क्या बनाता है? पावन बना के ले जाता है। एक आत्मा का ये गायन है, ऊर्ध्वगामी रहता है और ऊर्ध्व लोक में ले जाता है, बाकी सब आत्माएं अधोगामिनी हैं। चाहे धर्म पिताएं हो, चाहे विद्वान हो, पंडित हो, आचार्य हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, सब की आत्माएं अधोगामिनी हैं। जैसे ज्ञान है जल का अनुसरण करने वाला है, जल पहाड़ों से आता है, पहाड़ पर ऊपर चढ़ता है कि नीचे जाता है? कहां जाता है? नीचे जाता है। तो जैसे वो स्थूल जल ऊपर से नीचे आता है, ऐसे ये ज्ञान जल भी ऊपर से नीचे की ओर आता है। सांस का दिया जलता है, इसका अर्थ क्या है? सांस का दिया जलाता है, नहीं इसका अर्थ क्या है? सांस का दिया जलाता है,
सामने दीपक जलाया जाता है ना, उसका अर्थ क्या हुआ माता जी? ये आत्मा का दीपक है जगह है बाबा, बेसिक बात है बाबा का, इतना गिलानी कर दी, वो में आते हैं कि नहीं आते हैं। क्यों नहीं आवेंगे? कौन सा पता है? वो तुम्हारे मुकाबले नीच पद पावेंगे। तुम उनके अम्मा बाप बनोगे, वो तुम्हारे बच्चे बनेंगे। मुरली ने बोला है कि मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है, तो मतलब ये ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा है ना, तो वो कृष्ण की आत्मा जो है सबसे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट भी बोला है ना, नहीं तो? तो फिर आपस में क्रॉस हो गया ना बात? नहीं, ऐसा है ही नहीं कि ब्रह्मा की सोल फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, ये तो तुम बोल रहे हो। मुरली में आया है ना? नहीं आया है। अगर फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हो तो इसी जन्म में प्राप्ति करेगा या अगले जन्म में प्राप्ति करेगा? यही जन्म में करना होगा, तो उसी के आधार पर तो सृष्टि पावन बने की, मतलब ब्रह्मा से विष्णु उसी के आधार पर बनेगी ना। अरे वो जितना पावन बनता है उससे ज्यादा कोई और पावन बनते हैं कि नहीं? कोई और आत्माएं हैं जो उससे भी ज्यादा पावन बनती हैं? वो तो देवी देवताएं ही बन करके रह जावेंगे। कोई उनसे भी जास्ती पावन बनने वाली आत्माएं हैं, वो भगवान भगवती का टाइटल ले लेती हैं, वो बाप समान बनने का टाइटल है। देवी देवता बाप समान नहीं है, लेकिन भगवान भगवती बाप समानता का टाइटल है। बाबा, जो स्थापना करेगा वही विनाश करेगा, फिर इसका मतलब क्या है बाबा? स्थापना तो ब्रह्मा बाबा हाँ जो आदि में, हाँ तो ब्रह्मा की सोल महाकाली में प्रवेश करके विनाश नहीं करती है, तो झूठी बात है क्या? ये 18 साल तक तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो मुरली चलाया ना, तो उसमें तो ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र लेते हुए नहीं दिखाया है? तो 18 साल तक जो ब्रह्मा के द्वारा मुरली चली है, तो उसमें तो ब्रह्मा के हाथ में वो शास्त्र लेते हुए नहीं दिखाया? नहीं। तो फिर ये ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाया हुआ, मतलब प्रजापिता के लागू हो गया ब्रह्मा के लिए? बिल्कुल, प्रजापिता ब्रह्मा पहला ब्रह्मा है या दादा लेखराज पहला ब्रह्मा है? प्रजापिता ब्रह्मा पहला ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा पहले पहले ब्रह्मा है। तो पहले ब्रह्मा है तो फिर यज्ञ के आदमी शास्त्र दिया था क्या? अरे तुम्हें भूल गए, संस्कृत की गीता लेकर के उसके अर्थ सुनाते थे, जो आदमी तो अंत में, ये शास्त्रकार ऐसे नहीं मानेंगे, ये तब ही मानेंगे जैसे 108 टीकाएं गीता की हुई, तो लोगों ने उन गीताओं को उन टीकाओं को स्वीकार किया नंबर वार। ऐसे ही क्या संस्कृत की गीता के अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार नहीं निकाले जा सकते? निकाले जा सकते हैं या नहीं है? निकाले जा सकते हैं। आदि में गीता पढ़ करके सुनाते थे, अर्थ बताते थे, तो आदि सो अंत नहीं होगा क्या? अरे होगा या नहीं होगा? होगा। बाबा भक्ति मार्ग में कहते हैं चारों युग में मानव दानव और देवता थे, अभी भी है। चारों युगों में दानव कहाँ थे? मानव दानव और देवता। दानव कहाँ थे चारों युग में? ये तो झूठी बातें लिखी है शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले सच्चाई जानते ही नहीं, सच्ची की
सृष्टि प्रक्रिया की सच्चाई तो भगवान बाप ही आकर के बताते हैं कि सतयुग में दानव नहीं होते। शूटिंग पीरियड की बात हो रहा है ना, शूटिंग पीरियड की यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है, और शूटिंग पीरियड में देवताएं कोई होते ही नहीं। हाँ, भगवान बाप आकर के शूटिंग पीरियड में जब पुरुषार्थ संपन्न होता है तो मनुष्यों को क्या बनाते हैं, देवता बना कर जाते हैं। मानुष से देवता की करतन लागी बार, ये यहां की बात है। और बाबा शंकर पर इस तरह से बैठे दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है? याद में बैठे हैं और का? याद में तो साधारण से ही बैठ सकते हैं, कड़क होके बैठते हैं, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जैसे बाबा ने कहा वैसे मानेंगे, तुम हिलाना चाहो हिला दो। बाबा पूरी जगन्नाथ धाम में जो चावल बनता है तो मटका से ऐसे बनता है, और पहले मटका हो जाता है, धात हो जाता है, बाद में आहिस्ते आहिस्ते नीचे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? भाप की गर्मी जो है वो नीचे तल्ले को गर्म करती है, भाप ऊपर की ओर जाएगी या नीचे की ओर आएगी? तो ऊपर का पहले गर्म होता है, जैसे भाप का इंजन होता है। हाँ, बीरबा बीरबल की खिचड़ी, इसका रियाज है कि धीमी गति से अगर हमें याद करेंगे तो वो याद बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी, अगर हम तीव्र गति से याद करेंगे तो उसे बीरबल की खिचड़ी नहीं कहेंगे, सिद्धि स्वरूप बन जावेंगे। और बीरबल की खिचड़ी जो बनाई गई वो तो आग नीचे जल रही है और बांस के ऊपर चावल ऊपर लटकाए गए हैं, तो जल्दी पक जावेंगे क्या? आग वहां तक पहुंचते पहुंचते ही ठंडी हो जाएगी। और ओम शांति।